Everyone, how are you all? Hope everyone is good. Very good. So we are going to start chapter number 2 of class 4. So here is an exercise for you. ध्यान से आपको इस एक्सरसाइज को करना है. Let's begin our chapter. Yes, a poor scribe. Scribe होता है जो written documents को, पुराने days के document को copy करता है. A poor scribe find himself in a clutches of greedy money lender who tries to trick him. जो से चलाने की मतलब उसको पागल बनाने की कोशिश करता है. द स्क्राइब एंड हिज वाइफ टर्न द बीरबल फेमस मिनिस्टर एट बर्स कोर्ट. हाउ विल द क्लेवर विटी बीरबल सॉल्व द प्रॉब्लम. कैसे वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा, आइए पढ़ते हैं. लेट्स स्टार्ट. अ पुअर स्क्राइब लिव इन आगरा. वो जो है आगरा में रहता था. ही कॉपीड अदर पीपल्स राइटिंग एंड बुक्स. को दूसरों की कॉपीज को बुक करता था और बहुत थोड़ा वेरी लिटिल कमाता था. फिर भी ही नेवर बोरोड मनी. पर फिर भी उसने कभी उधार नहीं लिया. वी मस्ट नेवर फॉल इन टू द हैंड्स ऑफ मनी लैंडर. हमें कभी किसी से उधार नहीं लेना चाहिए. इफ़ वी डू वी विल बी रूइंड. अगर हम ऐसा करेंगे तो हम अपने सारे पैसे ख़त्म कर देंगे. ही ऑफन टोल्ड हिज वाइफ. ऐसा वो अपनी वाइफ से हमेशा कहता था. वन नाइट द स्क्राइब ड्रीम दैट ही बोरोड 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द मनी लैंडर. एक दिन उसे सपने में आता है कि उसने मनी लैंडर से 100 रुपीज़ गोल्ड कॉइन के ले लिए हैं. द नेक्स्ट मॉर्निंग ही टोल्ड हिज वाइफ अबाउट हिज ड्रीम. अब वो अपनी पत्नी को इसके बारे में बताता है. एंड शी टोल्ड हर. वो उसे बताती है. वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है, उसकी जो वाइफ होती है. हर फ्रेंड थॉट इट वॉज वेरी गुड स्टोरी टू रिपीट इट टू देयर हस्बैंड. वो सोचते हैं बाकी लोग ये तो बहुत अच्छी स्टोरी है. वो सबको बताते हैं और अपने हस्बैंड को सुनाती हैं स्टोरी. तो ऐसे ऐसे करके जो स्टोरी है हर किसी को पहुंच जाती है. इट रीचेज द एयर ऑफ द मनी लैंडर. और धीरे धीरे ये बात मनी लैंडर को भी पता लग जाती है. द मनी लैंडर गॉट एन आइडिया. अब उसे आइडिया आ गया. ही वेंट ओवर द स्क्राइब हाउस. उसके घर गया और वो कहते हैं आई हैव कम ही अनाउंस टू रिमाइंड यू 100 गोल्ड कॉइन्स यू ओ मी. अब मैं तुम्हें याद दिलाने आया हूँ कि तुमने मुझसे 100 कॉइन्स लिए थे. बट इट वॉज जस्ट अ ड्रीम. वो कहते हैं स्क्राइब कहता है अपनी बीवी वाइफ से और कि वो दोनों कहते हैं उनसे कि वो तो बिल्कुल सपना था. यू कैन नॉट आस्क अस टू रिटर्न मनी. तुम हमें पैसे वापस करने के लिए नहीं कह सकते. दैट हैज़ ओनली बीन बोरोड इन ड्रीम. वो तो बिल्कुल सपने में ही लिया गया था. बोरोड मनी मस्ट बी रिटर्न. ली गया पैसा हमेशा चुकाना चाहिए. रिटर्न मनी अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट. बल्कि मेरे पैसे तुम बिल्कुल इंटरेस्ट ब्याज के साथ वापस करो. ही सेड एंड लेफ्ट. उसने ऐसा कहा और वहाँ से चला गया. वी मस्ट आस्क राजा बीरबल टू हेल्प अस. हमें राजा बीरबल के पास जाना चाहिए, वो हमारी मदद करेंगे. सेड द स्क्राइब एंड टोल्ड बीरबल ही सैड स्टोरी. बीरबल के पास जाता है, उसे अपनी स्टोरी सुनाता है. आई विल हेल्प यू. बीरबल कहता है मैं तुम्हारी ज़रूर मदद करूँगा. बीरबल ब्रिंग मनी लैंडर हेयर. तो वो कहते हैं कि मनी लैंडर को तुम लेके आओ. बीरबल बॉट 100 गोल्ड कॉइन्स प्लेस ऑफ लार्ज मिरर इन फ्रंट ऑफ द कॉइन. बीरबल क्या करता है, शीशे के सामने एक बड़ा शीशे के सामने कॉइन्स रख देता है. मनी लैंडर एंड द स्क्राइब रीच बीरबल हाउस ऑन टाइम. तो वो टाइम पर उसके घर पहुंच जाते हैं. डिड द स्क्राइब बोरो 100 गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम यू इन हिज ड्रीम. क्या उसने सच में तुमसे सोने के सिक्के लिए थे, बीरबल मनी लैंडर से पूछते. वो कहते हैं दैट इज हु, रिप्लाई द मनी लैंडर, हाँ लिए थे. वेल सेड बीरबल. वो कहते हैं ठीक है. यू मे टेक ऑल द कॉइन्स इन द मिरर. तुम जो है सारे कॉइन मिरर से ले लो. द रियल कॉइन बिलोंग टू मी बट ऑल इन द रिफ्लेक्शन आर योर रिटर्न फॉर द ड्रीम लोन. कि जो सारे पैसे तो मेरे हैं पर जो उनकी छाया है वो तुम्हें एज अ रिएक्शन तुम्हें दे दी जाएगी. द मनी लैंडर न्यू दैट ही हैड बीन आउट स्मार्ट बाय बीरबल. उसे अब पता लग जाता है कि उसकी गलती जो है पकड़ी गई है. ही टर्न एंड लेफ्ट विदाउट अ वर्ड. वो वहाँ से चला जाता है बिना कुछ कहे. ही नेवर ट्राइड टू चीट एनीवन एल्स अगेन. उसने उस दिन के बाद किसी को धोखा देने की कोशिश नहीं की. होप यू गाइस लाइक दिस स्टोरीज. सो आगे का वर्क आप बिल्कुल नीटली राइटिंग में करेंगे जो मैं सेंड करूँगी. बाय बाय स्टूडेंट्स.